आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद है, ग्रामीण भारत बंद। जो सरकार ने किसानों के साथ वादे किए थे, हुआ वादा खिलाफी सरकार को आज याद दिलाई जा रही कि आपने जो किसानों से वादा किए थे, जो पिछले 13 महीने वहाँ पर आंदोलन हुआ था, उस दौरान सरकार ने हमारे से वादा किए थे कि MSP कानून हम लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हुए हैं उनको हम लागू करेंगे, और जो घोषणा पत्र में सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में अपने बयान दिए थे उन्हें जारी करने के लिए आज हम यहाँ बैठे कि उन्हें जारी करे सरकार। आम जनता का कहना है कि आप किसान लोग जो है आए दिन सड़कों पर बैठ जाते हैं, आम जनता को परेशानी होती है, इस पर क्या कहना चाहिए? कोई नहीं कह रहा, ये तो सब आपकी मनगढ़ंत बात है, ये सब मामला दूसरा। अगर हम सड़कों पर बैठते सड़क जाम करते, आज बच्चों का सीजन चल रहा है, उसी वजह से बच्चों के पेपर है, शादियों का सीजन है, उसी वजह से हमने आज रोड जाम नहीं करा। राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर सिर्फ जहाँ पॉइंट थे वहीं पॉइंटों पर अपना धरना प्रदर्शन हो रहा और ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। रोडों को आज खाली छोड़ दिया गया, वे हमारे परिवार के लोग हैं जो बच्चे आज हमारे पेपर देने जा रहे, जिन बहन बेटियों की शादी है वे हमारे परिवार की है, हम इसे ऐसा नहीं है कि हम किसी को जानते नहीं। अब सारे मुद्दों को देखते हुए रोड जाम की आज फैसला वापस लिया गया है, और कल 17 तारीख को एक बड़ी हमारी पंचायत है सिसोली में, जो कि वहाँ पर मासिक पंचायत होती है, उसमें कल बड़ा निर्णय लिया जाएगा। जो पंजाब के और हरियाणा के किसानों के साथ लाठीचार्ज और गोलियां चली हैं, उस मुद्दों के लेकर कल बड़ा निर्णय सिसोली में होने वाला है। कल का निर्णय करो या मरो का रहेगा। इस सरकार से आर पार की लड़ाई के मूल में अब किसान आ चुका है। हमारी मांग, हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो लड़ाई सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जो किसानों की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा।